So please open your page number 6. We will solve the numericals and the questions given on your page number 6 NCERT book. Let me share the screen. Okay, can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, fine. On the page number 6 of your NCERT book, the questions are given. First question: why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? जो first activity अपन ने पढ़ी थी यहाँ पे, magnesium ribbon को अपन burn कर रहे थे, ये वाली activity. यहाँ पे लिखा है why we should फर्स्ट ऑफ ऑल रब द मैग्नीशियम रिबन. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर. और इसका आंसर मैंने आपको बताया था व्हाई शुड वी हैव टू रब. एनीवन? सर आफ्टर बीइंग इन लॉन्ग टाइम कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन द मैग्नीशियम फॉर्म्स अ लेयर ओवर इट नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड which is need to be removed before performing an experiment. Okay, yeah, before burning in air. Very good, excellent answer, right answer. So the when magnesium ribbon is exposed to air for a long period of time, there is a layer that is your magnesium oxide. The oxidation reaction takes place, and due to this oxidation, the magnesium is converted into magnesium oxide. A thin layer of मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ओवर द मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था पिछली क्लास में, अगर आपने ध्यान दिया. सॉरी, एनी प्रॉब्लम? सो व्हाट विल बी द आंसर? राइट इट डाउन द आंसर. द आंसर शुड बी लाइक दिस. I am writing here only answer 1. The magnesium ribbon is exposed to air, or you can say when magnesium ribbon is exposed to air, it forms a layer of magnesium oxide on its surface. This magnesium, or you can say this layer of magnesium oxide, ये एक बहुत stable compound है. Stable compound का मतलब है कि जैसे ही मैग्नीशियम एक्सपोज करोगे आप एयर के साथ, तो वो रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये एक स्टेबल कंपाउंड है. इट बीइंग अ स्टेबल कंपाउंड, बीइंग ए स्टेबल कंपाउंड, इट प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम. साथ ही साथ आंसर लिखना है आपको, प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. क्योंकि अब लेयर एक्चुअल में क्या हो गई, लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो चुकी है ना, तो अब अगर आप उसको बर्न करना चाहते हो, बर्निंग का मतलब क्या है, आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी एयर के प्रेजेंट में. एयर में क्या है? ऑक्सीजन है. तो अगर पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड उसके आउटर सरफेस पे एक लेयर बन चुकी है, तो वो फर्दर उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा. अगर फर्दर रिएक्शन नहीं करेगा तो वो आपकी मैग्नीशियम जो है आपका पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट
नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका फर्दर नहीं बनेगा, ठीक है. हैंस इट शुड बी क्लीन, हैंस इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. To remove before burning air, and to remove this, we are rubbed with it the help of a sand paper. Is that clear? Anyone having doubt in this question? Any candidate having the doubt in this question? No, sir. Kumkum, why are you joining late? नेटवर्क इशू हो रहा था और फिर वेटिंग में था वो. अब टाइम पे नहीं आओगे तो फिर वेटिंग में ही रहोगे. पहले ही मैं 5:55 पे ही लॉग इन करके मीटिंग करके बैठ गई थी, वो बाद में नेटवर्क इशू हुआ एकदम तो हट गया. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट. अब देखो एग्जाम में जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी फॉर्म में आएंगे. देखो, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन. मैंने जो वर्कशीट आज प्रोवाइड कराई है उसके अंदर तो मैंने सिंबल्स के फॉर्म में दिया है, स्केलेटल इक्वेशंस मैंने आपको दिए. अगर आपने ओपन किया है, हैव यू गॉन थ्रू द वर्कशीट? आई हैव अपडेटेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप. यस सर. 19 केमिकल इक्वेशंस है, उनको आपको बैलेंस करना है. वो अपन नेक्स्ट क्लास यानी कि कल सैटरडे को अपन डिस्कस करेंगे वो वर्कशीट, ठीक है. तो प्लीज गो थ्रू दैट वर्कशीट. जिन्होंने नहीं देखी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने अपडेट कर दिया है. प्लीज डाउनलोड एंड सॉल्व द एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन गिवन टू यू. ओके, एग्जाम में आपको मेनली इसी टाइप से आता है. वर्ड इक्वेशन गिवन होगी, उसको आपको स्केलेटल में कन्वर्ट करके बैलेंस करना है, ठीक है. तो लेट अस प्रैक्टिस. फर्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोरीन, then it is forming hydrogen chloride. क्या होगा skeletal? सबसे पहले तो आपको skeletal पता होना चाहिए कि इसकी skeletal यानी कि जो आपको word equation given है उसको आपको symbol में convert करना है. सबसे पहले ये आना चाहिए. H2 plus Cl gives out HCl. H2 plus Cl2 gives out HCl. देखो chlorine, हाँ ये यहाँ पे देखो बच्चों को ये confusion होता है. हाइड्रोजन जो है ना वो हाइड्रोजन पेयर में रहता है यानी H2 की फॉर्म में रहता है. क्लोरीन जो है वो भी Cl2 की फॉर्म में रहता है. ये आप आगे जाके पढ़ोगे वैलेंसी वाले चैप्टर के अंदर कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज वो अनस्टेबल होता है. सिंगल हाइड्रोजन एटम इज अनस्टेबल. क्लोरीन भी सिंगल नहीं होता है, Cl2 की फॉर्म में होता है. ये ऐसा क्यों होता है ये अपन आने वाली क्लासेस में देखेंगे, बट राइट नाउ यू शुड नो दैट. इसलिए मैंने आपको बोला था एक शीट बना लेना, हाइड्रोजन का मीनिंग क्या है, क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, फॉर्मूला उसका है ना, केमिकल फॉर्मूला. एनीवे, तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन है अपने पास, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू हाइड्रोजन क्लोराइड. तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं देन इट विल बी लाइक दिस. हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रहेगा मेरे पास, तो आई विल राइट जी इन दी ब्रैकेट प्लस Cl2. अब ये जो क्लोरीन है ये भी क्लोरीन गैस होती है. देखो ये आप नीचे जो मैं लिख रहा हूं ये लिखना जरूरी नहीं है, बट आई एम गिविंग यू जस्ट एन इंफॉर्मेशन दैट इट इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. देन योर हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? HCl, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस. अगर दोनों गैस है तो HCl गैस आपकी बनेगी, ठीक है. क्लोरीन अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ये HCl लिक्विड भी आप लिख सकते हो, ठीक है. ओके, क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नो. क्या करना सर? 2HCl. यहाँ पे कुछ नहीं करना मुझे, सिर्फ आगे 2 लिख दूंगा तो बैलेंस्ड हो जाएगा. अब ये बैलेंस्ड है? यस. तो फर्स्ट तो हो गया. नाउ सेकेंड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स यू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड.
BaCl2 plus AlSO4 gives BaSO4 plus AlCl2. Al2Cl2. Nice. May I bataun? Yes. Sir, may I bataun? Yes. May I tell? Sorry. Barium chloride. BaCl2 plus Al2SO4 gives BaSO4 plus AlCl3. Good. Al2SO4 whole thrice. इसको क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट को देखो, Al2SO4 होल थ्राइस. इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है ये थ्राइस है, ना कि ये. ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये SO4 जो सल्फेट है ये तीन बार है ऐसा. यहाँ पे सल्फर हो गया 3 times, ऑक्सीजन हो गया 4 × 3, दैट इज 12 times. ठीक है, okay, this reactions give me barium sulfate. Barium sulfate is BaSO4. अच्छा, ये भी aqueous होगा यहाँ पे. BaSO4 आपका solid होगा, plus aluminium chloride. Aluminium chloride हो जाएगा AlCl3. AlCl3 aqueous. Okay. Now, क्या ये balanced है? No. क्या करेंगे balancing के लिए? BaCl2. सबसे पहले step wise चलो. Find out the maximum number of atoms in a compound. तो ये मेरे पास ये box बना दिया मैंने. Box बनाने के बाद ये सबसे ज्यादा है. अब इसके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा है? Oxygen. कितना बार है? 12 times. तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना टाइम्स है? 4 times. ये ऑक्सीजन यहाँ पे 4 times है. ठीक है, तो क्या करूं मैं? सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दूं. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 12 है और यहाँ 12 करना है, तो क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई. तो ये मैंने 3 लिख दिया. अब 3 लिखने के बाद देखो, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया. अब ऑक्सीजन के बाद यहाँ सल्फर, सल्फर 3 times है, यहाँ भी सल्फर 3 times है, ये भी बैलेंस हो गया. अब Al2 देख लो, Al2 यहाँ पे कितना है? 2 times है, यहाँ एक ही है, तो क्या करूं? 2 लिख दिया. अब देखो Cl, क्लोरीन को, क्लोरीन यहाँ कितना हो गया? 6 times. यहाँ कितना है? 2 times ही है, तो यहाँ क्या करूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं. आप देखो इक्वेशन एक बार, क्या ये बैलेंस्ड है? यस. चेक करो, बेरियम 3 times, बेरियम 3 times, क्लोरीन 6 times, क्लोरीन 6 times, एल्युमिनियम 2 times, एल्युमिनियम 2 times, सल्फर 3 times, सल्फर 3 times, ऑक्सीजन 12 times, ऑक्सीजन 12 times. इक्वल है, तो इट इज इक्वल. नाउ द लास्ट वन, सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. सोडियम मतलब सोडियम का होता है एन, सोडियम होता है एन ए. सॉलिड की फॉर्म में होता है एन ए प्लस एच टू. वाटर आपका होता है एच टू ओ. लिक्विड गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए. वेरी गुड. प्लस हाइड्रोजन यानी H2. ये जो भी नॉइज आ रही है पीछे, या तो उनको बोलो चुप हो जाए या फिर आप म्यूट हो जाओ. ओके, क्या ये बैलेंस्ड है इक्वेशन? नो नो. तो सबसे पहले देखो H2O, H2O में हाइड्रोजन 2 times है, ये भी 2 times है. ऑक्सीजन 1 time है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 time है. बट हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 times है, यहाँ पे 1 time. सॉरी, यहाँ 3 time है ना हाइड्रोजन, और यहाँ 2 times ही है. तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे कैसे? इनटू टू.
यहाँ पे टू लिख देता हूँ और यहाँ पे टू लिख देता हूँ, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन है, रहा सोडियम, यहाँ एक है यहाँ दो है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी टू लगा दो। देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ज्यादा टफ नहीं है, बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ड इक्वेशन से सिंबल में कैसे बनाते हैं। अब जैसे मान लो बहुत जनों को ये नहीं पता है एल्युमिनियम सल्फेट कैसे लिखते हैं, तो ये आपको नोट डाउन करना है, एक शीट बना लो, वहां पे लिखो एल्युमिनियम सल्फेट और आगे उसका केमिकल फॉर्मूला, ऐसे ही आपको याद रहेगा, वरना एग्जाम में याद नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। बैलेंसिंग भले आपको आती हो लेकिन वर्ड इक्वेशन से स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करना अगर नहीं आएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो एक शीट बना लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका पीछे रीजन है, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बैलेंसिंग बहुत अच्छे से आती है बट वर्ड इक्वेशन को स्केलेटल इक्वेशन में कन्वर्ट करना नहीं आता। ओके, अब देखो कुछ इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये आपको पूरे सेंटेंस की फॉर्म में दे रखा है, कैसे करेंगे इसको? सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वॉटर, इन वॉटर का मतलब लिक्विड स्टेट में गिवन है, एक्वस स्टेट में गिवन, रिएक्ट टू गिव इन सोल्यूबल बेरियम सल्फेट, इन सोल्यूबल का मतलब सॉलिड मिलेगा यहाँ पे मेरे को, ठीक है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन का मतलब एक्वस आपको मिलेगा। तो देखो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये जितनी भी चीजें लिखा हुआ है, इन वॉटर, इन सोल्यूबल, सॉल्यूशन, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है अबाउट द स्टेट, कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। अपन ने देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, है ना, तो ये जो इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, और आप अगर ये इन्फॉर्मेशन लिख के नहीं आते हो, ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व किया, अगर इसमें आप ये लिख के नहीं आ रहे हो तो चलेगा, बट इन द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में आता है और आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि स्टेट के बारे में आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देन यू शुड राइट अबाउट द स्टेट ऑफ द कंपाउंड्स रिएक्टिंग इन द केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, छोटे छोटे पॉइंट से नंबर लूज कर देते हो आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। बेरियम क्लोराइड का क्या है? एनीवन? BaCl2। BaCl2। वेरी गुड। कैसे लिखूं? एक्वस, लिक्विड, गैस? एक्वस। वेरी गुड, एक्वस फॉर्म में बिकॉज इन वाटर। प्लस सोडियम सल्फेट? Na2SO4। वेरी गुड, Na2SO4 अगेन एक्वस गिव्स मी इन सॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 solid। वेरी गुड। प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl इज योर सोडियम क्लोराइड एंड ये कैसा होगा? Aqueous। वेरी गुड, बिकॉज सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्वस है, ठीक है। अब क्या ये बैलेंस्ड है? नो सर। कैसे करेंगे बैलेंस? सबसे पहले कौन सा होगा? ब्रैकेट बनाओ N2SO4। N2SO4 के अंदर भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4 है। यहाँ कितना है? 4 है। चलो बैलेंस्ड है ये तो पहले से ही। अब आ जाओ Na2 पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ 2 लिख देता हूँ, यही करूंगा मैं। यस यस सर। अब कौन सा बच गया? चेक करो, बेरियम हो गई, Cl2 2 है, यहाँ पे भी Cl2 है, Na2 Na2
एस वन एस वन ओ फोर ओ फोर, तो ये बैलेंस्ड हो गई मेरी इक्वेशन, सिंपल है। बट ये तभी होगा जब आपको ये पता हो बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे हाथों हाथ शीट बनाते जाना। ऐसे नहीं सर मैं बाद में बना लूंगा, वो बाद में ही रहता है। ये इंडियन सिटीजन्स की, एक इंडियन स्टूडेंट की होता है, सर बाद में कर लेंगे सर, एग्जाम के टाइम में सब कर लेंगे सर, नहीं होता है लास्ट मोमेंट पे, अभी से ही शीट बनाना स्टार्ट कर दो। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास अच्छा कलेक्शन हो जाएगा कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होगी, हाँ इसको ये बोलते इसको ये बोलते, तो रिविजन में भी इजी रहेगा, वरना नहीं सॉल्व कर पाओगे आई गारंटी। ओके नाउ द सेकंड क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी एक्वस है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी ये भी मेरा एक्वस है, टू प्रोड्यूस, यानी ये तो सारे मेरे क्या हो गए रिएक्टेंट, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी प्रोडक्ट में आएगा एक्वस में एंड वाटर, वाटर पता ही है लिक्विड में होता है, कैसे लिखेंगे इसको, NaOH aqueous plus HCl aqueous gives NaCl plus H2O. Very good. HCl ये भी aqueous में होगा, hydrochloric acid gives you sodium chloride यानी NaCl that is also aqueous plus H2O that is liquid. क्या balanced है ये equation? Yes. Check कर लो, पहले से ही balanced है. It is already yes, balanced. Just आपको convert करना था, sentence form में given था, उसको chemical formula symbol convert करना था. Question में लिखो, लिखा हुआ है write a balanced chemical equation with state symbols. This is very important, state symbols. और उसी के लिए आपको ये word sentence form में दे रखा है. So I hope balancing the chemical equation में no one is having doubt. No sir. Can we move forward now? Yes. Yes sir. Okay fine. So now we are going to the next part of this chapter, that is your chemical reactions ke types. Kitne types ke chemical reactions hai aur how we will identify ki ye kis particular type ki reactions hai. That we are going to study now. Okay? Yes. Types of chemical reactions. One of you please start reading from this. We have learnt in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. Okay, wait. This line is very important. Actually, in a chemical reaction involve the breaking and making of bond between atoms to produce new substance. देखो, actual में chemical reaction में हो क्या रहा है? आप दो चीजें ले रहे हो, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं हर क्लास में लेता हूँ केमिकल रिएक्शन का, जैसे आप सिंपल सा आप कोई फूड बना रहे हो, है ना, कोई खाना बना रहे अपन, तो खाने में अपन कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं अंदर, जैसे नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं अपना, ऑयल, वेजिटेबल, मसाले, है ना, नमक, ये सारी चीजें अपन डालते हैं, तो एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे नहीं आप बना आलू की सब्जी रहे हो, बन रही है रतालू की सब्जी, ऐसा होता है क्या? सिंपल लॉजिक, बेसिक सी कॉमन सेंस है ये, साइंस कोई टफ नहीं है, साइंस आपके आसपास की चीजों का ही एक लॉज, अपन थियोरेटिकल वे में उसको पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। एवरीडे लाइफ फिनोमिना आर एक्सप्लेन विद अ कंसेप्ट और विद अ थ्योरी, दिस इज ओनली अबाउट दिस साइंस। तो जैसे अपन कुछ खाना बना रहे, मैगी बना रहे, तो ऐसा थोड़ा ना पास्ता बन जाएगा, जो आप इंग्रेडिएंट डालोगे वही तो बनेगा, तो वो भी वही चीज ये इस फॉर्म में बोल रहा है।
एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी कुछ आपस में ब्रेक हो रहे हैं और कुछ नए रिश्ते बन रहे हैं, मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम, जो आप एटम्स ले रहे हो, सोडियम लिया तो सोडियम का ही कुछ प्रोडक्ट बनेगा, क्लोरीन ले रहे हो तो क्लोरीन का ही कुछ प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ऐसा नहीं है NaCl ले रहे हो बन मैग्नीशियम ऑक्साइड रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो आप रिएक्टेंट साइड में है वैसा ही ब्रेक तोड़ तोड़ के या तोड़ मरोड़ के किसी का किसी के साथ रिएक्शन होके कुछ नया बनेगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, नया आइटम कभी भी नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। सो प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, तो उसी के बिहाफ पे आप कैसे बॉन्ड बनते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड अपन बात करेंगे चैप्टर 3 और 4, उसके बारे में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और कार्बन एंड कंपाउंड के अंदर अपन इसके लिए डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपन पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, बेसिक चीजें है, कुछ हाईफाई नहीं है, सिंपल सी चीजें, कंबाइन करना मतलब दो चीजों को जोड़ना, भाई मुझे कंबाइन करना है, जैसे मान लो मेरे पास ये है, ये मेरे पास एक पेंसिल है और ये इसकी पीछे वाली कैप है, मुझे इसको कंबाइन करना है, ये दो अलग अलग चीज है, क्या किया कंबाइन करने के लिए, ये कंबाइन हो गया, दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही है, बस सिंपल सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसको मैं सिंपल से टर्म में बोलूं, ए प्लस बी गिव्स मी ए इंटू बी, बस एग्जाम्पल एक्टिविटी, वन ऑफ यू रीड दिस एक्टिविटी, Take a small amount of calcium oxide or quick lime in a beaker. Slowly add water to this. Touch the beaker as shown in figure 1.3. Do you feel any change in temperature? Okay. एक beaker लेना है, ठीक है? उसमें water है और water के साथ मैंने कुछ pieces calcium oxide के डाल दिए और quick lime भी बोलता है। देखो ये भी एक marks का question बनता है। ये जो quick lime है ना, ये इसका यू कैन से फेमिलियर नेम है या फिर पॉपुलर नेम है, केमिकल नेम ऑफ क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके ओलंपियाड वगैरह में आते हैं, क्विक लाइम किसको बोला जाता है, चार ऑप्शन होंगे वहां पे, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस टाइप से अभी आगे और आएंगे, तो ये याद रखना क्विक लाइम जो है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे ये बोले कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैंने पानी के अंदर डाला है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, यानी आपका जो बीकर है पानी जो है वो गर्म हो जाएगा, क्यों हो गया, बिकॉज फिजिकल चेंज हुआ है, रिएक्शन टेक्स प्लेस, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन के अंदर अपन ने देखा था, इफ देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर देन वी कैन से इट इज हैविंग अ केमिकल रिएक्शन। तो वही चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वॉटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट है तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, डेल्टा बना देते। इस डेल्टा का मतलब क्या है, मैंने उस दिन भी बताया था, ट्राइंगल का मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मेरी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है, या फिर अपन सिंपली क्या लिख देंगे यहाँ पे, हीट। हालांकि अभी आपके इतना कुछ है नहीं डिटेल में, बट आई एम जस्ट गिविंग एन इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे ये क्या हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आगे जाके पढ़ेंगे अपन। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस लेक लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ही आपकी क्या बन रही है, ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है? यस सर। यस, इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। साथ ही साथ सर ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और ये ब्रैकेट में देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखना है, इक्वेशन इम्पोर्टेंट है ये। यस सर। साथ
सारी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है जितनी भी एनसीईआरटी बुक के अंदर गिवन है. ओके, अब वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब देखो हुआ क्या, मैंने एक रिएक्टेंट लिया कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज माय क्विक लाइम, और H2O लिया मैंने पानी, और इन दोनों को मिलके मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. So these type of reactions are known as combination reaction, in which two or more reactants, दो या दो से ज्यादा reactant मिलकर क्या बना रहे हैं, एक single product बना रहे. यहाँ पे दो point याद रखने हैं, reactant दो और दो से ज्यादा हो सकते हैं, and second point remember क्या करना है, product जो बनेगा वो एक single होगा, यानी एक single compound बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बन सकता, अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो वो combination नहीं. Are you getting my point? Yes. Yes. क्या दो पॉइंट याद रखने हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में? कि एक तो रिएक्टेंट्स दो से ज्यादा हो सकते हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होगा. Very good. रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं, बट प्रोडक्ट आपका एक सिंगल होगा. तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. रटने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो किसी भी तरह से, बट उसका सेंस वही निकलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से कोई पूछ ले तो मैं बोलूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच देर आर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट. बस याद करने की क्या जरूरत है, बस दिमाग में एक बार बैठा लो, ध्यान से सुन लो बस, और एक बार रीड कर लो, ठीक है. और एग्जाम्पल, यस वेरी गुड, एक पॉइंट याद रखना, हर रिएक्शन के एटलीस्ट दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं हर रिएक्शन के. केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, एग्जाम में वो बोलेगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो मार्क का क्वेश्चन आ गया. अगर आपने सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ गए तो हो सकता है एग्जामिनर आपके नंबर डिडक्ट कर ले. तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू टू राइट एटलीस्ट वन एग्जाम्पल. और मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ दो याद करके रखो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है किसी में कुछ आपको थोड़ा सा मिसमैच हो जाए, तो एटलीस्ट दो आपको याद रखनी है, हर टाइप के रिएक्शंस के दो एग्जाम्पल याद है. तो पहला तो एग्जाम्पल यही हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट एग्जाम्पल तो यही हो जाएगा, ठीक है. सो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट is known as combination reaction. और ये example आपको याद रखना, आप ये वाला example भी याद रख सकते हो जो first अपन ने पढ़ा था, magnesium oxide. हाँ ये वाला, this is also an example of combination reaction. Combination of calcium bicarbonate. So magnesium plus oxygen gives you magnesium oxide. So the ये भी क्या है, एक तरह का combination reaction. तो ये आपका example two, दूसरा example हो जाएगा, ठीक है. इस type से आपको याद रखना है, कहीं पे भी आप कोई भी equation देख रहे हो तो ये सारे combination reaction. Okay. ये जितने भी आपके yellow type के boxes आते हैं, do you know? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इंटरनेशनल ओलंपियाड्स एज वेल एज NTSC के लेवल पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं. तो यू शुड हैव अ बेसिक नॉलेज व्हाट इट इज गिवन अबाउट. वन ऑफ यू प्लीज रीड. दिया, दिया कुछ नहीं बोलती क्लास में. दिया स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. A solution of slaked lime produced by the reaction 1.13 is used for whitewashing
balls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the balls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the balls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. Calcium hydroxide in aqueous form reacts with carbon dioxide to form calcium carbonate and water. Okay. ये जोधपुर के अंदर बहुत होता है, पता है क्यों? Why Jodhpur is known as the blue city? Anyone? सर घर नीले है. घर नीले है. Why नीले है? क्यों नीले है? सर कोई हिस्ट्री होगी तो क्या पता है? हिस्ट्री कुछ नहीं है बेटा, जोधपुर में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है. अभी बाहर गर्मी कितनी है? क्यों नहीं ये घर बनाते हैं? हां सर, इसके ऊपर चूना लगाते हैं. वेरी गुड सर, लाइट कलर. जोधपुर वाले चूना बहुत लगाते हैं, लोगों को नहीं, लाइट कलर हीट ज्यादा नहीं खींचते. वेरी गुड. देखो क्या है इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है. जोधपुर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है और इन ऑर्डर टू मेक योर होम अ लिटिल बिट cooler as compared to the outside temperature, calcium carbonate क्या करता है, ठंडक मतलब reflect कर देता है heat को, अंदर तक नहीं आने देता. तो ये कुछ नहीं है, अपन क्या करते हैं, white washing का मतलब वही है, सफेदी करना. आपने सुना होगा पहले जमाने में बहुत होती थी, अब तो थोड़ा बहुत काफी कम हो गया है. अब तो ज्यादातर लोग पेंट ही करवाते हैं, बट पहले के टाइम पे ज्यादातर सफेदी होती थी. जैसे दिवाली का टाइम आता था, खुद ही करने लग जाते थे, या हालांकि मैंने खुद ने भी की हुई है. तो वो कुछ नहीं है, अपन कुछ नहीं करते, घर पे ही बनाते थे सफेदी. पाउडर लेके आते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और उसको पानी के अंदर मटके के अंदर मिला देते थे. उसको फिर किसी लकड़ी से या झाड़ू से हिलाते थे, और उसके बाद सीधा दीवार पे उसको डे टू डे लाइफ में जो अपन वर्ड बोलते पोतने लग जाते थे. करते थे या नहीं करते थे? अपने दादा से या पापा जी से पूछना, उन्होंने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा ये. तो व्हाइट वॉशिंग इज नथिंग बट सफेदी करना. तो वो कुछ नहीं करते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर से लाते थे, उसको अपन पानी के अंदर, एक्वस का मतलब क्या है, उसको अपन क्या करते थे, पानी के अंदर मिला देते थे. और जैसे ही मिलाते थे कैल्शियम हाइड्रो, थोड़ी बहुत हीट भी प्रोड्यूस होती थी जैसे ही मिलाते थे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता था, वरना हाथ वाथ भी जल जाता है. ठीक है, फिर अपन उसको जैसे ही दीवार पे लगा देते, वो थोड़ा सा वाइट वाइट लगता था, वाइट वॉशिंग, यानी आपने जैसे ही वाइट 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 पानी डाल दिया दीवार पे, ऐसा लगता था शाइनी शाइन. और जैसे ही 2-3 दिन बाद वो क्या होता था, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है. तो ड्यू टू दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन जो गीला था वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो दिस गिव्स अ कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कि एक तरह का मार्बल फॉर्म है. और मार्बल आपने देखा होगा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, हीट को. मार्बल क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है व्हेन इट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है एयर के अंदर, जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और लिक्विड के साथ. ठीक है, तो लिक्विड तो आपका एटमोसफेयर के अंदर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, और पीछे बच जाता है कैल्शियम कार्बोनेट विच गिव्स द शाइनी फिनिश टू द वॉल. इज दैट क्लियर? यस सर. समझ में आया क्या है? कुछ नहीं है, पाउडर लाए, पाउडर के अंदर आपने पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद उसको हिला लिया, और उसके बाद दीवार पे कलर कर दिया. दीवार पे कलर करने के बाद 2-3 दिन तक पानी तो सारा आपका इवापोरेट हो जाएगा, पीछे बच जाएगा CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट विच गिव्स अ शाइनी सरफेस. और इसी को अपन बोलते थे सफेदी. और ब्लू क्यों कर देते, क्योंकि हल्का सा अपन उसके अंदर ब्लू कलर डाल देते हैं, ताकि ब्लू सिटी, ब्लू एज अ मतलब वही है, एक तरह का वो रिवाज बन गया कि ब्लू ब्लू सब जगह ब्लू कर रहे हैं. और क्योंकि वो ज्यादातर व्हाइट नहीं रहता है, वो सूखने के बाद थोड़ा सा ब्लूइश, लाइट ब्लूइश कलर में चेंज हो जाता है. ठीक है, जयपुर के पिंक सिटी का भी कुछ होगा फिर तो. पिंक सिटी जयपुर में, हाँ वो पिंक सिटी का भी कुछ ऐसे ही है, जैसे अपन सफेदी करते हैं वो भी सेम प्रोसेस है, बट वो उसके अंदर कलर डाल देते थे पिंक कलर का, क्योंकि वहां पे राजस्थान के अंदर ज्यादातर
आप अगर जयपुर साइड में जाते हो, मैं 4 साल जयपुर रहा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन वहीं से हुई है, तो वहां पे क्या है ना, जो पत्थर मिलता है वो थोड़ा सा पिंकिश कलर का होता है ना, वहां के जो नेचुरल जो स्टोन है वो थोड़ा पिंकिश कलर का होता है. तो दैट इज दी वाई. कैन यू हियर मी ऑल? यस सर. Why this option is showing then your speaker is not working. Can you hear me? Yes. Yes, sir. Okay. So this reaction you have to remember about the calcium carbonate कैसे बनता है और what is the formula for the marble, very important reaction. तो इसको याद रखना, ठीक है, इसको भी note down कर लेना equation को. ओके फाइन. कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, ये एग्जांपल्स भी आप याद रख सकते हो, आपके ऊपर है. कोई भी दो एग्जांपल आपको याद रखना, आप चाहे वो कोई भी याद रखो, ठीक है. सो बर्निंग ऑफ अ कोल इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपको मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू वॉटर. जब भी एग्जाम्पल लिखो, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल लिख के मत आ जाना एग्जाम में, गलत इम्पैक्ट जाता है. तो जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हो, लास्ट में चेक कर लेना क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं. तो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, in simple reaction when two or more substance elements or compound combine to form a single product, the reaction are known as combination reaction. ye formal definition aapki NCERT book ke andar given hai. in activity 1.4 we observed that a large amount of heat is evolved. kaun si activity thi 1.4? ye wali. क्विक लाइम जब आपने वाटर में मिलाया था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था. दिस मेक द रिएक्शन मिक्सन वॉर्म. तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे अगर हीट मिल रही है बाद में, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद मुझे वहां पे टेम्परेचर रिएक्शन का, या आप बोल सकते हो सॉल्यूशन का राइज हो रहा है, यानी हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. तो जब हीट निकलती है या हीट इवॉल्व होती है जिस रिएक्शन के अंदर, उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सो मींस बाहर निकलना, थर्मिक इज रिलेटेड टू योर हीट. इसका यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है एक्सोथर्मिक. एक्सो मींस एग्जिट और थर्मिक मींस हीट. तो जब हीट एग्जिट होगी तो टेम्परेचर आपका क्या होगा? Temperature of that solution will rise. So, ये याद रखना है exothermic reactions, reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic chemical reaction. तो ये भी एक exothermic chemical reaction का example है. ये साथ ही साथ note करते जाना सब. Example of exothermic reaction. Because heat is evolved.
Other examples of exothermic reactions are burning of natural gas, CH4 होता है methane, methane को जब oxygen के साथ अपन burn करवाते हैं, that is your natural gas होती है methane जब burn होता है, तो वो बनता है carbon dioxide plus water steam, यानी water molecule, steam molecule, तो ये भी एक exothermic, यानी यहाँ पे भी आपके heat produce होती है, तो ये सारे examples है आपके exothermic reaction की. तो इसके भी एग्जांपल्स आपको याद रखना है. जब आप रेस्पायर यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होता है, जब आप सांस बाहर निकालते हो, ब्रीथ आउट करते हो, तो आपके नोस्ट्रिल से जो एयर बाहर आती है दैट इज आल्सो अ लिटिल बिट वार्मर एज कंपेयर टू द एयर व्हिच यू आर ब्रीथिंग इन. यस और नो? यस. आप सांस लेते हो तो वो हवा थोड़ी सी ठंडी होती है एज कंपेयर टू जब आप सांस बाहर निकालते हो. So you can feel by taking your hand near your nostril. So जब सांस बाहर आती है, that air is also a little bit warmer as compared to the air which you have breathed in. So this respiration process which we are doing continuously is also a type of exothermic reaction. Is that clear? Yes. Yes. Okay. This is one of you. Please read. Important paragraph. We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. The glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, the process which you will study in chapter 6. Okay, great. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. Okay. So this is giving you an example of respiration process that you will study in your chapter number 6 in much more detail. Life process ke andar aap padhte ho all the types of natural processes going inside our body, digestion, excretion, respiration and all. तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा एग्जांपल दिया. जो फूड वी ईट, अपन जो ईट करते हैं, दैट इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स जो कि और ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज, एंड अल्टीमेटली ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड अस एनर्जी. सो दिस इज द इक्वेशन व्हिच इज द की इक्वेशन, और यू कैन से ये तो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको याद ही रखनी पड़ेगी. ग्लूकोज व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन gives carbon dioxide plus water with energy. Energy जो अपन utilize करते हैं, जिससे अपने body के सारे system work करते हैं, cells are living because of this energy only. तो carbon dioxide तो अपन बाहर निकाल देते हैं, water यानी अपने hydrated रहती है body, और energy that we are capable to doing all our day-to-day life tasks. So this is the very important, और ये आपके है लाइफ प्रोसेस के अंदर भी आप पढ़ोगे इसको डिटेल के अंदर. द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जो डीकंपोज यानी जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, वेजिटेबल जो अपन घरों पे बनाते हैं, जिनके जो छिलके वगैरह रह जाते हैं, इनका जो डीकंपोजिशन होता है वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. डीकंपोजिशन दैट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड. So these are all your examples of exothermic reactions. Two reactions याद रखनी है for each reaction. Example याद रखनी. So we have completed till now. Anyone having doubt in the combination reaction and in these types of question? ये आपको solve करने हैं, answer बना के रख लेना notebook के अंदर. इसका PDF आज का PDF मैं आपको भेज दूंगा इस page से, ठीक है? और ये आपके बुक के साथ बेटर होगा, आप एनसीईआरटी बुक साथ लेके बैठे जब क्लास स्टार्ट हो रही है, और जैसे जैसे मैं नोट डाउन करा रहा हूँ वो साथ ही साथ आप नोट डाउन करते जाओ, ठीक है? और शीट जरूर बना लेना जिनको भी इस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, सर केमिकल फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता, तो वो ये शीट बना ले और ये साथ ही साथ लिखते जाए, ठीक है?
Anyone having doubt in today's session? No, sir. Clear है सबको? Yes. तो कल स्टार्टिंग में केमिकल केमिकल दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आज अपन ने पढ़ा है इसके रिगार्डिंग मैं एक क्विज बनाऊंगा. देखते हैं कौन कितना आंसर दे पाता है. दैट विल बी ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस. जो सबसे पहले ज्यादा आंसर देगा वो जी. सो प्लीज हैव अ क्विक रिवीजन देन वी विल कंटिन्यू. ओके थैंक यू. यू कैन लीव नाउ.